नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। हमने काफी सिंपल कहा है क्योंकि हमारा मकसद है जो कमजोर लोग हैं जिनकी सैलरी 10-15 हजार महीने का ही है, उनको भी मैं बाजार सिखा सकूं। जब भी स्टॉक के ट्रेंड पॉजिटिव हो, मतलब हायर चांसेस, मोर देन 80% चांसेस है कि इसके रिजल्ट बेटर आएंगे, तो इसके ट्रेंड से ही इसके रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट में हमने देखा कि 4 लाख करोड़ मुंद्रा प्रोजेक्ट में भी कंपनी ने निवेश करा। इस समय एयर वे के तरफ भी जो है कंपनी के बड़े निवेश को लेकर के खबर दिख रही है। तो आगे के न्यूज, ट्रेंड, रिजल्ट, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को भी समझेंगे। टेक्निकली तो काफी 1 मंथ से वीक रहा है, इसके पहले 6 मंथ के रिटर्न पॉजिटिव है लेकिन 1 ईयर के निगेटिव ही रिटर्न दिखेंगे और ये हिंडनबर्ग के एलिगेशन के कारण रहा। यहां देखेंगे Q2 रिजल्ट जो है अडानी इंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स और डाबर, टाटा मोटर्स, अडानी इंटरप्राइजेस जैसे न्यूज आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि एयरपोर्ट मेजर अडानी इंटर एयरक्राफ्ट लीजिंग स्पेस आफ्टर AI एंड इंडिगो, एयर एशिया इंडिगो, ये सब जाने के बाद इस समय हवाई के तरफ भी जो है, पोर्ट में तो कंपनी है ही और एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में भी है ही, अब देखेंगे तो क्राफ्टिंग के अंदर जो है ये कंपनी जाते हुए दिख रही है, जो कि एक बड़ी खबर होगी। इसके अलावा जो इस स्टॉक में जो टेक्निकल ट्रेंड है, वीकली जो है टर्न अराउंड पॉजिटिव की तरफ होते दिख रहा है, डिलीवरी इस स्टॉक में काफी बेटर दिख रही है। प्रमोटर के द्वारा बाइंग करी गई थी, जो हमने कल ही आपको दिखाया था कि अगर इस स्टॉक के डील्स में देखेंगे तो इनसाइडर में इसके जो ग्रीन है या फिर कैंपस है, ये सब प्रमोटर है। एक बार इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट का जो नंबर्स देखे तो यहाँ अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर पे सेल थोड़ा माइनस में रहा था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी माइनस में ही रहा था, लेकिन सबसे बड़े इंप्रूवमेंट दिखे थे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल होते हुए दिखा था, जिसके कारण जो प्रॉफिट रही थी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो बेटर दिखा था और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा वीक रहा था। इसके अलावे अगर इस स्टॉक में प्रमोटर देखे, 72% कंटिन्यूस प्रमोटर की बाइंग हुई है, FI थोड़े निकले हैं लेकिन GQG के तरफ से बाइंग हुई, DI की होल्डिंग है और जो पब्लिक है उसके पास ओनली 7% होल्डिंग है। एक बार इसके चार्ट को देखते हैं तो हमने क्या कहा कि शॉर्ट टर्म में ये एक सपोर्ट है 2200 के प्राइस का, ये एक सपोर्ट है जहां से एक रिवर्सल इस स्टॉक में 2360 और 2560 और इसके बाद 2750, ये 3 टारगेट दिख सकते हैं। यहाँ स्मॉल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट टर्म के ट्रेंड भी लिया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी का वेट करें और आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि 1960 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, इसके नीचे इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मेरे व्यूज हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देख सकता है।